काम खत्म हो गया. आई एम सपोज टू लुक सेक्सी एंड आई एम ऑल्सो सपोज टू बी स्कैरी. सो दैट्स मी. और मैं सबका जीना हराम कर रही हूँ इस शो में, इन शॉर्ट. एंड ऑफकोर्स ओकल्ट के बारे में ये शो है. एंड शैतानी रस्में, एज द नेम सेज, रस्में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग रस्में हैं ये, तो आपको अगले एपिसोड से पता चलेगा. बट लाइक सर करेक्टली सेड, वेरी इंट्रीगिंग. सो इंट्रीगिंग दैट फॉर अस एज एक्टर्स ऑल्सो वी वॉन्ट टू नो वॉट इज हैपनिंग नेक्स्ट. So it's a big adventure for all of us, and I hope it's a big adventure for the audience too, and together we can embark on this lovely journey called Shaitani Rasme. Intriguing, thrilling, edge of the seat, Shaitani Rasme. Thank you. लेकिन हमारी जो ये पूरी कोशिश है कि एक माध्यम बने, वापस से वो दौर लेकर आए जो 90s में हुआ करता था, और back to the roots वाला एक concept हमने सोचा. लेकिन सर इतने जीनियस हैं, मैं उनको बहुत बहुत मानती हूँ और सम्मान करती हूँ उनका. उनकी जो टीम है पूरी, वो एक धागे से बंधी हुई है, और आपने जो आज ये मेहनत देखी है यहाँ पर, वो एक टीम ही कर सकती है सामने उस चीज़ को संभव. तो उस चीज़ का हिस्सा होने के साथ साथ मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज जो नए नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया इमीडिएटली एक फर्स्ट एपिसोड को देखकर, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर इस मंच पर आपको वो एक थ्रिलर वाले फीलिंग दे पाए हैं. तो बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे, और मैं चाहूँगी कि हम सबको सफलता प्राप्त हो, और काफ़ी सारा आशीर्वाद चाहिए आप लोगों से, और स्नेह चाहिए हमेशा की तरह जैसा आप लोग देते आए हैं. तो बोल देती हूँ ना, जय हो शैतानी रस्में. प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ निकी. सो निकी जो है वो एक बहुत साधारण लड़की है. शी इज स्वीट, एंड देन स्लोली स्लोली अ लॉट ऑफ लेयर्स आर गोना बी अनफोल्डेड. सो आई रियली होप दैट यू ऑल लाइक्ड द फर्स्ट एपिसोड. हम लोग ने भी पहली बार देखा है एपिसोड, एंड वी हैव एंजॉयड. सो आई सर्टनली होप यू ऑल डिड टू. थैंक यू फॉर कमिंग. And the show is such that the lines between good and bad are going to get blurred. So y'all are going to have a really roller coaster ride while watching the show. And again, thank you so much for being here. That's it. Thank you. Hi guys, this is Vibhav Roy. I'm playing the character of Piyush. And as I said, as Nakia said, good, bad, ugly. You'll get everything in this show. And as sir said, black and white ke jo beech ka hota hai, वही देखने में इंटरेस्टिंग होता है. सो इट्स प्रीटी लेड. एंड आई ऑनेस्टली थिंक माय कैरेक्टर दो नाव में सवार है, और जो दो नाव में सवार होता है उसका डूबना निश्चित होता है. मैं अपने परिवार से भी दबता हूँ, अपनी बीवी से भी दबता हूँ. तो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु कैन कनेक्ट विद मी. एंड जस्ट वी मेड दिस शो विद अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो या, जस्ट कीप द लव पोरिंग इन. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर बीइंग. हम लोग बहुत सालों से समझते आ रहे थे कुछ थ्रिलर होता है, कुछ हॉरर होता है. हमने एक शब्द सुना था इंट्रीग, कि आगे क्या होगा हमें जानना है. इंट्रीग का हमने सिर्फ नाम सुना था, लेकिन हमने कभी किसी शो में देखा नहीं. अपने नॉर्मली जैसे हम लोग इंडियन टेलीविजन में चीजें बनती हैं, हम पहले थोड़ा स्पून फीड करके आगे बता देते जनता को क्या होने वाला है, और फिर बताते चलते दिखाते रहते हैं. हम इस बार थोड़ा अलग किस्म का नैरेटिव सेट करना चाहते थे, और वो हमने कोशिश की. तो इन अ वे वी कैन से इट्स अ वेरी इंट्रीगिंग शो, अगर इसको जॉनला को डिफाइन करना हो. एंड वी समहाउ अटेम्प्ट वही है कि इसमें हम आगे सक्सेसफुल हों, अच्छे से करते रहें, बिकॉज एक नया जॉनर है, तो हम लोग के लिए भी नया था इसको करना. बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा ईजी होता है, और ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में रहना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसी तरीके से हमने सारे कैरेक्टर्स भी हमारे डिजाइन किए. फैजल भाई, ये हमारे राइटर्स आप भी आ गए यहाँ पे. फैजल अख्तर इनको आ रहे हैं, क्योंकि ये सब बारे में और अच्छे से बता पाएंगे. तो जब आपका शो उस जोन में है, ना वो ब्लैक है ना व्हाइट है, तो सारे कैरेक्टर्स भी उसी के आसपास हैं. हर कैरेक्टर ना सिर्फ नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, हर कैरेक्टर अपनी किसी जर्नी में, अपनी किसी तकलीफ में, अपने किसी मूड में फंसा हुआ है, और वो आपको कहीं झलक दिखाई दी होगी. अभी बाकी कैरेक्टर तो इस एपिसोड में रूबरू नहीं हुए, लेकिन आपने सिर्फ पीयूष का कैरेक्टर देखा होगा. अब पीयूष का कैरेक्टर से आपको एक ग्लिम्स मिलेगा कि किस किस्म की फैमिली होने वाली है इसकी, विच गिव्स अ वेरी डीप इनसाइड इनटू द कमिंग वर्ल्ड, कि क्या आने वाला है. उसके बीच में एक इनोसेंट सी लड़की जिसको कुछ पता नहीं है, वो उस फैमिली के अंदर जाने वाली है, जो फैमिली कुछ कल्ट्स में है, कुछ अलग चीज़ें करती है, और उनके भी अपने रीजंस हैं. ऐसा नहीं है कि वो खुशी खुशी कर रहे हैं, वो भी कहीं फंसे हुए हैं. तो इस तरीके से होता है कि हर कैरेक्टर ना बड़ा ही लेयर्ड है, बड़ा ही ह्यूमन है, एंड कब कुछ करता है अनप्रिडिक्टेबल है. सो दैट मेक्स दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप फॉर द कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी.
बाकी आप जब शो देखेंगे पता लगेगा। फिलहाल मैं बता दूं कौन कौन हमारे साथ हैं। ये हमारे मिस्टर पीयूष जिनको आपने जिनसे मुलाकात हो गई, निकी नकिया हाजी, विभव रॉय, ठीक है, चंडालिका कपालिका, कपालिका हमारी शिवाली सब जानते हैं, रिचा सोनी हमारी रानी साहिबा है, एक भीमा, ठीक है, इधर हमारे राजा साहब खड़े हुए हैं, ठीक है, चंदन आनंद जी, ठीक है, ये हमारे भवानी सिंह जो लेने के लिए आए थे, ये हर जगह पहुंच जाते हैं जब निकी और कुछ करीब आने वाले होते हैं तो ये हमेशा कबाब में हड्डी बनते हैं, ठीक है। और ये हमारी आरोही, ठीक है, सुरभि, सुरभि, हाँ सुरभि हमारी बहुत भारी एक्ट्रेस है लेकिन मेरी थोड़ी भी याददाश्त खराब होने लगी, ठीक है ना, हमारी रचना जी है ये, ठीक है, नेहा, नेहा रचना, और ये हमारी वेलोनिका, ठीक है, ज्योति यादव, ठीक है, और ये हमारे प्रतीक साहब हैं, ये पीयूष के भाई हैं, है ना, अगले एपिसोड में सब मिलेंगे, ये हमारे पीयूष के भाई साहब, इनका कैरेक्टर प्रतीक, और गज्जर साहब, हाँ प्रियोम गज्जर, यस सॉरी मेरी याददाश्त खराब होती है, हरी भाई आप उन्हें पहली बार देखा है, कैसा लगा आप लोगों को, थोड़ा लाउडली बताएं, लाउड, नहीं भैया मीडिया डरता नहीं किसी से।